अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ओमान इलेक्ट्रिकल चैनल और हमारा जो आज का टॉपिक है वो टाइमर स्विचेस के बारे में है। ये टाइमर स्विचेस का यह यूज़ जो है ये आमतौर पर ऑटोमेटिक लाइटों को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन इनका इस्तेमाल और भी मकसद के लिए किया जा सकता है। कोई भी आपकी चीज़ है, सिंगल फेज़ हो चाहे थ्री फेज़ हो, आप उनको एक टाइम के हिसाब से ऑन करना चाहें या ऑफ़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इनके लिए कुछ टाइमर स्विच हैं मेरे पास, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनकी वर्किंग भी और उनकी प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाता हूं आपको। वीडियो के साथ बने रहें। आप अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक कैनवल का टाइमर है, आप देख रहे हैं 220-240 वोल्ट हैं और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ये उसाका जापान का है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं इसका टाइम सेट पिन आउटसाइड ऑन इनसाइड ऑफ लिखा हुआ है। ये जो आप लिखा हुआ है प्रेजेंट टाइम, ये एक स्विच है जिसकी मदद से ये टाइमर ऑन करवाता है या ऑफ करवाता है। ये एक स्विच है जिसकी मदद से आप ये थोड़ा डाउन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, अगर इसको आप ऊपर को करेंगे तो ये ऑफ हालत में आ जाएगा। और आप टाइमर को देखें, इधर लिखा हुआ है इसका पावर और इधर लोड, यानी पावर इधर आपसे आपने इनपुट देनी है 220 वोल्ट एसी और इधर से आपकी आउटपुट निकल आएगी। इधर आप लाइट कोई भी लगा सकते हैं इसकी लोड कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये नीचे सर्किट डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये पावर है और ये इसका लोड है, ठीक है। और ये इधर एक लाइट लगी हुई है पावर के लिए, जब भी इधर पावर आ रही होगी तो आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। इसका मैं अभी आपको प्रैक्टिकल वर्क भी करके दिखाऊंगा, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको आप सिंगल फेज के लिए भी और थ्री फेज के लिए भी यूज़ कैसे कर सकते हैं आपको मैं समझाऊँगा। ये एक मेरे पास सिलक का टाइमर है, इसकी भी सेम कैनवेल की जैसी वर्किंग है, आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये 50-60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इधर आपने पावर देनी है 220 वोल्ट और इधर से आपने आउटपुट निकाल लेनी है। और अगर आपने इसको डायरेक्ट चेक करना है तो ऑन पे रख के चेक कर सकते हैं, ये ऑटो है और ये ऑफ हो जाएगा टाइमर, ठीक है फ्रेंड्स। और ये पावर की लाइट लगी हुई है, इधर आपने 220 वोल्ट इनपुट देनी है और इधर से आपकी 220 वोल्ट आउट टाइम के हिसाब से निकल जाएगी। ये आप देख रहे हैं टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। ये टाइम स्विच लगा है जिसकी मदद से टाइम ऑन ऑफ होता है, आप चेक करें, ये देखें, ये अभी ऐसे ऑफ हालत में है। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल आपको लाइट लगा के दिखाता हूँ कैसे वर्किंग करता है। मैंने इसको सेट किया हुआ है रात को 6 बजे से लग के सुबह 6 बजे तक, ये आप 18 देख रहे हैं, 12 घंटे यानी ऑन टाइम। आप इसके ऑन टाइम को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये देखें ऐसे इनकी मदद से, ठीक है। आप इसको 1 घंटा ऑन 1 घंटा ऑफ भी इससे वर्किंग ले सकते हैं ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये देखें, ठीक है फ्रेंड, ऐसे ऑन, फिर आप 10 से 11 ऑन या ऑफ करवा सकते हैं, फिर 12 से 13, ठीक है फिर। कैसे भी आप इसको चाहें, आप ऑन भी करवा सकते हैं, ऑफ भी करवा सकते हैं। अभी मैं इसको आपको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाता हूँ। इधर आपने इनपुट देनी है, इससे आउटपुट लेनी है, ठीक है। और ये सिलक कंपनी का है, ये बहुत ही अच्छा ये टाइमर है, ठीक है। इसके बाद ये है एक मेरे पास कावामुरा, ठीक है, ये मेड इन जापान है। इसका भी सेम वही वर्किंग है, आपने इधर पावर देनी है, इधर से आउटपुट ले लेनी है। और इसका सिलक का स्विच जो ऊपर लगा हुआ है, ये इधर लगा हुआ है, ये मैंने बैक साइड से खोला हुआ है ताकि आपको वर्किंग समझाई जा सके, ठीक है फ्रेंड। ये देख रहे हैं आपने, उन्होंने न्यूट्रल कॉमन की हुई है, प्लस इधर से इनपुट होएगा, इधर जाके इधर मिल जाएगा आपस में पॉइंट, ये देख रहे हैं फ्रेंड ऐसे, ठीक है, ऐसे टाइम के हिसाब से।
ओके फ्रेंड, बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाता हूँ, आप वीडियो के साथ बने रहें, आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। और ये ओ लिग्रेंट का है, इसमें दो फंक्शन हैं इसकी, ये कॉयल है U1 U2, और A1 नंबर जो है ये कॉमन है, और 14 नंबर नॉर्मली क्लोज है, ये 12 नंबर नॉर्मली, 2 नंबर और 1 नंबर नॉर्मली क्लोज है, और 14 नंबर जो पॉइंट है ये नॉर्मली ओपन है। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क अभी करके दिखाता हूँ, आप वीडियो के साथ बने रहें इंशाल्लाह। इसके बाद आपको किसी भी टाइमर के बारे में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। अभी मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाता हूँ एक एक करके सब टाइमर्स का। ओके फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं कि मैंने जो सिलेक्ट का टाइमर है इसकी इनपुट पे 220 वोल्ट की जगह मैंने 220 वोल्ट दे दिए हैं, ये पावर लाइट भी ऑन हो गई है, और ये हमारी आउटपुट टाइमर के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आउट होएगी। मैंने इसका टाइम आप देख रहे हैं टाइम, ठीक है, ये देखें ये 18 है, समझ लें रात के 6 बज गए हैं। आपने इसको रात 6 बजे से सुबह 6 बजे तक या सुबह 6 बजे से रात 6 बजे तक ऑफ टाइम पे सेट किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जब आप इसको घुमाते जाएंगे ये टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिक घूमता जाएगा। आपने इसको 220 वोल्ट दे दिए हैं, ये फ्रेंड्स आप देखते जाएं ऐसे घूमता जाएगा, देखें फ्रेंड्स जैसे बहुत स्लो स्लो पूरा दिन घूमता रहेगा। सिर्फ आपने इसको 220 वोल्ट दे के रखने हैं, देखें फ्रेंड्स ये देखें, यूं ही आपके 6 बजेंगे आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। बाद में आप अभी पूरी रात गुजरेगी, ओके फ्रेंड्स देखा आपने, फिर उसी टाइम पे आके बंद हो गया, ठीक है। ये जो कैनवल है और ये सिलक की है बिल्कुल सेम जो है इसका फंक्शन है, आपने इधर 220 वोल्ट दे देने हैं और आगे जो भी आपका लोड है आप लगा सकते हैं। 20 एम्पीयर तक सिंगल फेज लोड, 20 एम्पीयर तक आप इसकी कैपेसिटी है आप लगा सकते हैं, और इसकी आप सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप इस चीज़ को भी बंद कर देते हैं, इसको ऊपर रखना चाहते हैं, आप अपने टाइम के हिसाब से जैसे भी आपको देखिए फ्रेंड्स, अभी इस फ्रेंड्स आप समझ लें आपने इसको शाम के 6 बजे पे ऑन पे लगा दिया, देखें आप ऑन हो गया है। अभी आप इसको चलता जाएगा चलता जाएगा, ये देखें जैसे सुबह के 6 होंगे आपकी लाइट खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। आप इसे 5 पे भी लगा सकते हैं, अगर आप इसके ये फिन्स को 5 पे कर देंगे तो 5 पे लग जाएगा, 4 पे कर देंगे तो 4 पे लग जाएगा, ऐसे फ्रेंड जितना आपको चाहिए, 4.5 पे चाहिए, 4.20 पे चाहिए, ऐसे हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगर आप कोई ऐसी चीज़ पे सिंगल फेज लगाना चाहते हैं जो थोड़ा टाइम 1 घंटा ऑन रहे, 7 से 8 ऑन रहे, फिर 8 से 9 ऑफ रहे, फिर 10 से 11 ऑन रहे, तो ऐसे फ्रेंड आप कर सकते हैं, ठीक है। देखें फिर ऐसे चलता जाएगा 1 घंटा ऑन, फिर ऐसे ऑफ हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी, आप इसे आपको ऑफ करना चाहिए तो इधर आप ऑफ कर सकते हैं, और अगर आप इसको डायरेक्ट चलाना चाहते हैं बगैर टाइम के हिसाब से तो आप ऐसे ऑन पे करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देख लें इधर आपसे नए 220 वोल्ट देने हैं, और इधर से आपने ये जो भी आपका लोड है आप देख रहे हैं आपने लगा देना है। 20 एम्पीयर तक इसकी कैपेसिटी है,
कावा मोरा का भी सेम यही फंक्शन है, और ये कैनवल है इसका भी सेम फंक्शन है। आप इसको किसी भी टाइम के हिसाब से सेट कर सकते हैं, ये फिन्स निकल जाती है कावा मोरा की, ये आप किधर भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी चीज़ को शाम 5 बजे ऑन करना चाहते हैं, 5 बजे लगा दें, और रात को कितने टाइम तक ऑफ करना चाहते हैं या सुबह को ऑफ करना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे लगा के इधर पावर दे के आउटपुट पे लोड लगा सकते हैं। और ये भी ऐसे, ये देखिए अभी इनके पॉइंट आपस में मिल चुके हैं, फिर इस आप इसको घुमाते जाएंगे, ये देखिए आपके पॉइंट ओपन हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, ये है कावा मोरा, ये भी एक अच्छा टाइमर है, लेकिन सिलक सबसे अच्छा है, इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है और इसकी जो कैपेसिटी है वो भी बहुत बेहतरीन है। इसके बारे में आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगर आपके दोस्तों के जहन में सवाल होगा कि अगर हम इस पर कोई 3 फेज चीज़ लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कनेक्टर का यूज़ करें 3 फेज। इसके ये जो A1 और A2 कॉइल्स लिखी हैं, इसकी ये जो लाइट की आउटपुट है आप इधर लगाएं, जो टाइमर की आउटपुट है लोड, ये दो वायर्स आप A1 और A2 पे लगाएं, और इधर आप 3 फेज सप्लाई दें चाहे सिंगल फेज दें, और इधर नीचे से आउट निकाल लें, ठीक है फ्रेंड्स। और कोशिश करें रिले के नॉर्मली क्लोज पे इन करके आउट करके कॉइल को दें, ये एक सेफ्टी हो जाएगी। अगर ऐसा आप नहीं भी कर सकते तो मुश्किल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको मैं ओ लिग्रेंट के टाइमर के बारे में बताने वाला हूँ। ये लिग्रेंट का अच्छा टाइमर है, इसकी थोड़ा वर्किंग में फ़र्क है, इसकी मैं वर्किंग अभी आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अभी आप लिग्रेंट टाइमर का जो वर्किंग प्रोसीजर आप समझ रहे हैं, ये इसकी कॉइल है U1 और U2, ठीक है। इधर आपने 220 वोल्ट दे देने हैं, मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये 220 वोल्ट मैंने दे दी हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने जो भी चीज़ चलानी है उसकी न्यूट्रल को आपने इसकी जो कॉइल की न्यूट्रल है उससे डायरेक्ट दे देना है, जैसे मैंने 0 नंबर न्यूट्रल डायरेक्ट दे दी है। और दूसरा आपने क्या करना है, इसकी प्लस वाली जो वायर है फेज है उससे एक जम्बर डाल के आपने इस 1 नंबर पे कॉमन लगा देनी है, और ये दो इसकी आउटपुट हैं, ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने इसको आपको समझाने के लिए 2 लाइटें लगाई हैं इसके ऊपर, ये ग्रीन है, ये एक रेड है, और ये ग्रीन रेड ग्रीन लाइट जो है ये नॉर्मली क्लोज पे मैंने लगा दी है। आप देख रहे हैं इसका जो पॉजिटिव वाला ये वायर है, देख रहे हैं, और ये इसका जो रेड वाला वायर है ये मैंने नॉर्मली ओपन 40 नंबर पे लगा दिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसको आपने ऐसे ही करना है, ये इसकी जो U1 U2 पे 220 वोल्ट दे देने हैं, और इसकी न्यूट्रल वायर को कॉइल के अंदर से ही कॉमन कर लेना है, या आप इस न्यूट्रल वायर को पीछे से भी डायरेक्ट भी दे सकते हैं, और जो आपका फेज है उसको आपने कॉमन करके 1 नंबर पे दे देना है, और आप 14 नंबर पे और 2 नंबर पे आप इसके आउटपुट ले सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी भी मैंने टाइम सेट किया हुआ 6 बजे से 18 बजे तक 12 घंटे का, आपको मैं दिखाता हूँ अभी इसकी वर्किंग, ठीक है फ्रेंड। अभी आप देखें ग्रीन लाइट जल गई चुकी है, जो कि नॉर्मली क्लोज हालत में है, ठीक है फ्रेंड। अभी मैं इसको घुमाता जाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अभी आपकी रेड लाइट जल जाएगी, देखें, ठीक है फ्रेंड। ऐसे आपको आप इसका यूज़ किसी भी जगह कर सकते हैं, जैसे कोई चीज़ आप 2 घंटे के लिए ऑफ रखना चाहते हैं, बाकी टाइम के लिए आप ऑन रखना चाहते हैं, तो आप ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप थोड़ा नया लेंगे जब टाइमर बहुत अच्छी तरह उसकी ये फिर आराम से हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आप कितना भी टाइम आप ऑन ऑफ कैसे भी आप
इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये इसका बटन है, ये नीचे लगाओ, इसकी सारी ऑन ऑफ वर्किंग है। ये देखें बंद हो गया अभी, अभी फिर ऑन हो गया। ठीक है फ्रेंड, इससे इसकी मदद से आप किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, दो चीज़ों को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं इसकी वर्किंग मदद से। जैसे मैंने इधर ग्रीन लाइट लगाई है, आप इधर कोई सिंगल फेज मोटर लगा सकते हैं, स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं, कोई चीज़ भी आप यूज़ करना चाहें। अगर आप कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहते, खाली लाइट लगाना चाहते हैं, तो आप इसको 6 से 18 पे सेट कर दें बस। ठीक है, और एक लाइट को आप इधर से खोल दें, जैसे मैं खोल दिया है, बस अभी आपकी रेड लाइट जलती रहेगी रात को 12 घंटे। फिर ये देखें ऑफ हो जाएगी, फिर ऐसे 12 घंटे, ये खुद ब खुद बहुत स्लो स्लो टाइम के हिसाब से, जैसे आपका टाइम वॉच चलता है ऐसे ये घूमती रहेगी, ऑफ रहेगी, और तभी रात को 6 बजेंगे तो ऐसे चल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड्स, इस टाइमर के बारे में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है टाइमर्स के बारे में, तो मेरे से सवाल करके आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, और आप ये मैं मोटर बना रहा हूँ 10 HP की है, 3 फेज़ मोटर, इसके बारे में भी आपको कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, मेरी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये मेरे पास एक रिले है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसके भी कनेक्शन सीखना चाहते हैं मेरे को बताएं, मैं आपको इसके कनेक्शन भी बताऊंगा, डिजिटल मीटर कनेक्टर ले या स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड, कुछ भी आपकी सीखना चाहते हैं, या डिजिटल मल्टीमीटर के यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, इसका टोटल यूज़ आपको, ये देखें मेरे पास डिजिटल मल्टीमीटर, इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, या आप मल्टीमीटर का यूज़ सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे से رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا۔ اوکے فرینڈز، اللہ حافظ، بہت شکریہ، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ پھر آپ کو میں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں، یہ جو ٹائمر ہے سلک کا، ادھر 220 وولٹ دینے ہیں، ادھر سے آؤٹ پٹ نکال لینی ہے، 20 ایمپیئر تک کوئی بھی سنگل فیز چیز آپ یوز کر سکتے ہیں، اور ادھر سے آپ اپنی مرضی کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں، 1 گھنٹہ آن، 1 گھنٹہ آف، 6 گھنٹے آن، 6 گھنٹے آف، ایسے فرینڈ۔ یہ سلک اور یہ کینول اور یہ کاوا مورا، इनकी सेम ही फंक्शन है। ठीक है, और इसका मैंने आपको फ्रेंड्स समझा दिया है, इसके U1 और U2 इसकी कॉइल हैं, और 1 नंबर कॉमन है, 14 नंबर ओपन है, और 2 नंबर क्लोज है। ठीक है फ्रेंड्स, U1 और U2 पे आपने 220 वोल्ट दे देने हैं, और जो भी आपका लोड है उसको U1 से कॉम डायरेक्ट वायर दे देनी है, और U2 को 1 नंबर से कॉमन करके, ठीक है फ्रेंड्स, कॉमन करके आपने आगे आउटपुट पे कोई भी चीज़ ऐसे लगा लेनी है। ओके फ्रेंड्स, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।